हाँ मालिक बोलिए। वहाँ क्या हुआ? बिल्डिंग सेट कर दी है, उठा लेंगे उसको। सत्य की परीक्षा इसी मदुरई महानगर में हुआ था। गांधी जी का चेला किसानी का काम करता था, कपड़े नहीं पहनने की शपथ ली, शर्ट पहनना त्याग दिया। महात्मा गांधी, तेरा चेहरा इतना डल क्यों दिख रहा है? तू क्यों नहीं पूछेगा? मंगलसूत्र पहनाने के लिए तू ले गया और मेरे ही नाक को काट दिया। अब तो इस बुढ़े की तरह हो गई है मेरी नाक। सामने दीवार था, देख सकते थे ना। हाँ बे, तुम्हारे लिए आइटम, मेरे लिए पट्टी। अब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो ना बुढ़े? बीच रोड में खड़ा होके क्या बेच रहे हो? ये हारमोनियम कितने का है? हारमोनियम बेचने के लिए नहीं है, ये खरीद लो, सत्य की परीक्षा। जितनी परीक्षा हो रही है वो क्या कम है? अब ये पैसा दे के लेना पड़ेगा। क्या बात है, मदुराई में आदमियों की बोली के तो कुछ अलग ही अंदाज है। किताब बेचने के लिए ये ढोलक और ये हारमोनियम की क्या जरूरत है? कभी कभी गाने में जरूरत भी पड़ती है। ओ, गाना भी गाते हो? देखे, एक गाना हमें भी सुनाओ। गाओ बुड्ढे। ठीक है, मैं गाता हूँ। पीपल के पेड़ के दूध मलाई, आओ मेरी जान हम खुशियां मनाए। क्यों रे बुड्ढे? अरे ये देखो, बुड्ढे का तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है। परवाह नहीं, गांधी के रास्ते पे सही चल रहे हैं। चलो बुड्ढे, चलो जाओ 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 जाओ। ये क्या लुक दे रहा है? अरे बाप रे, सब लोग मेरे ही नाक को निशाना बना रहे। अरे अरे क्या रे बुड्ढे, खून खोल रहा है? नहीं खोल रहा है, डर गया। गांधी ने यही सिखाया। डर, इसे नीचे फेंको। ए, चेला उठाने से तू बहुत बड़ा रोडी है। ये मेरा किला है, यहाँ पर मैं ही सिर हूँ और मैं ही पूछूं। सिर्फ उंगली से चुटकी बजाऊंगा ना, कई कोस दूर तक सुनाई देगी। मेरे से ही पंगा लेगा। इसे फेंक रहे हो या नहीं? कितने घिनौनी बातें कर रहे हैं। हम गांधी जी के बारे में प्रचार करने आए हैं, तुम भी ऐसी हरकत करोगे तो तुम दोनों में क्या फर्क होगा? उसे नीचे डालो। अभी तुम नीचे डालोगे या नहीं? क्यों दादाजी? हाँ। चार घंटे में सिर्फ चार किताबें बेची हैं। 4×3=1,120 रुपया। यहाँ पर लगभग 10 लोग खाना खा रहे हैं। बिल कम से कम 150 रुपया आएगा। जिस तरफ से देखो हमें नुकसान उठा रहे हैं। फायदा और नुकसान की कोई अहमियत नहीं है। गांधी जी को कितना लोग समझते हैं उसी की अहमियत है। ओ, गांधी का हिसाब मतलब इसी को बोलते हैं। अबे तू क्यों डल दिख रहा है? बिल तो बुड्ढा बनने वाला है। नहीं भाई, जिन लोगों ने बवाल किया उनका कुछ नहीं कर पाया, इसी बात से दिमाग खराब है। तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? क्या मंदिर का रास्ता कुवैत में है? चार रास्ते की सुपारी तो है, उधर जाकर चार हाथ मार, तब तक मैं मेंटेन करता हूँ। मैं कैसे जाऊँ? हाँ, क्या बात है, तेरे पेट में गड़बड़ हो रही है? अरे अरे, तू यहाँ गंदा मत करना। तूने जो बासी खाना खाया था ना, मुझे लगा तभी कुछ गड़बड़ है। जा यहाँ से, जा जल्दी जा। दादाजी से बोलिए ना। जाओ जाओ, आराम से। थैंक यू दादाजी, मैं भी जाकर आऊँ। तुमको क्यों जाना है? उसको देखने के लिए। ये सब देखने की चीजें खाओ। क्यों बे, पैसा मांगने को नहीं देगा? Hey!
सुबह, ये तेरा किला है, यहाँ तू ही सिर है, तू ही पूछ है, अब मालूम पड़ेगा। क्यों रे साले, तू अगर यहाँ पे चुटकी बजाएगा तो उसकी आवाज को दूर तक सुनाई देगी।